हदीसे मुरसला हो जा खुदा का तर्जुमा हो जा, तेरी फितरत है अफला की सरापा आसमां हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। बॉलीवुड की साबिक अदाकारा सना खां की शादी से मुतालिक काफ़ी बातें आ चुकी हैं, मैंने भी कुछ बातें आपके सामने रखी थी जो यकीनन आपने सुनी होंगी। अलबत्ता कुछ बातें यहाँ और अर्ज करनी हैं। उनमें से एक बात तो ये है कि मैंने मौलाना अनस साहब को मुफ्ती अनस कह दिया था, वो मुफ्ती नहीं है बल्कि मौलाना हैं और मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के फारिग हैं, वहीं से उन्होंने पढ़ा है, उनकी सारी तालीम वहीं से है। सामईन ज़रा इसको नोट कर लें। दूसरी बात यह है कि मौलाना अनस साहब हाजी अब्दुल वहाब साहब के हकीकी नवासे नहीं हैं बल्कि उनकी बहन के नवासे हैं। इन दोनों बातों की वजाहत ज़रूरी थी इसलिए मैंने अर्ज की है। यहाँ कुछ और बातें अर्ज करनी हैं, वो ये कि मौलवियों को मुक्तदा की हैसियत हासिल है। हमारा समाज, हमारा माशरा मौलवियों को मुक्तदा की हैसियत से देखता है, उनकी एक एक हरकत पे नज़र होती है, उनके एक एक कदम पर, उनके एक एक अमल पर निगाह होती है। मौलवी खाता कैसे है, पहनता कैसे है, चलता कैसे है, सोता कैसे है, उसकी गुफ्तगू का लहजा क्या है, तमाम चीज़ें मौलवियों की नज़र में होती हैं। अवाम उनको बहुत गौर से देखते हैं फिर नतायज निकालते हैं। अवाम में बहुत से वो भी होते हैं जो इंतहाई भोले भाले होते हैं और हर मौलवी को जुनैदो बायजीद समझते हैं। ये समझते हैं कि इस मौलवी ने ये काम किया इसका मतलब ये चीज़ जायज़ है, मौलवी साहब ने ये काम नहीं किया इसका मतलब ये चीज़ हराम है। तो मौलवी के अमल को कुरान और हदीस समझते हैं और इस्लाम की एक तालीम समझकर उस पर अमल करते हैं। तो अवाम में उलमा की शनाख्त एक रहनुमा की है, दीन के एक मुक्तदा की है, पेशवा की है। लिहाजा किसी भी आलिम दीन से कोई ऐसा काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए जो दीनी तकाजे के खिलाफ हो और जिसकी वजह से अवाम में बदगुमानी पैदा हो, दीन से दूरी पैदा हो। मौलाना अनस साहब से यहाँ चूक हुई है और ऐसी ही चूक मौलाना तारिक जमील साहब से भी हुई है, उसकी तफसील आगे बताऊँगा। मौलाना अनस साहब से ये चूक हुई है कि शादी उनकी हुई और उन्होंने इस शादी के दौरान एक तो केक कटवाया। केक काटना या कटवाना किसका शियार है मौलाना अनस साहब से मख्फी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जिस धड़ल्ले से फोटोबाजी हुई है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर जितना ज़्यादा गम किया जाए कम है। अवाम की शादी में इस तरह की हरकतें हो जाएं तो कोई काबिले मुआख़ज़ा बात नहीं होती है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये दीन से बेखबर होते हैं और दुनिया तलब होते हैं, दीन का इनमें कोई शऊर नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों की बात पर, ऐसे लोगों के अफ़ाल पर किसी की नज़र नहीं होती। लेकिन आलिम दीन का मामला थोड़ा सा अलग है। आलिम दीन का मामला ये है कि उसको बाकायदा कदम कदम पर तौला जाता है, उसको नापा जाता है, उसकी शख्सियत का, उसकी हैसियत का हर जगह इम्तिहान होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो गुलिस्तान सादी में लिखा हुआ है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है कि एक मौलाना साहब ने बादशाह के लड़के की बड़ी पिटाई की। और भी तलबा पढ़ते थे मौलाना के पास, मौलाना आम तलबा को उतना नहीं मारते थे लेकिन शहजादे की बड़ी पिटाई करते थे। एक दिन शहजादा अपने वालिद के पास चला गया, शिकायत की, अपने जिस्म से कुर्ता निकाला, अपने वालिद साहब को दिखाया कि देखिए उस्ताद जी ने मुझे कितना मारा पीटा है। बादशाह ने उस्ताद को बुलाया और उनसे शिकायत की
कि और तलबा की तो आप पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन आपने इतनी पिटाई की है मेरे बच्चे की, मामला क्या है, बात क्या है? मौलाना साहब ने बगैर किसी खौफ और कपकपी के ये जवाब दिया कि देखें, जिन बच्चों को मैं नहीं मारता हूं वो आवाम के बच्चे हैं, वो देहाती हैं, उनका कौल व फेल क्या है क्या नहीं है उनसे किसी को बहस नहीं होती है, लेकिन ये शहजादा है, ये बड़ा होगा, इसके आमाल में कोई कमी होगी, इसके अफ़ाल को इसके अकवाल को लोग मेयार बनाएंगे, हैसियत देंगे, लिहाजा इसकी तरबियत और इसकी तहदीब और इसकी आरास्तगी और शाइस्तगी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा पिटाई की है। जब ये बच्चा ठीक हो जाएगा, चूँकि नमूना बनेगा, तो नमूना के लिए बेहतर ये है कि मुकम्मल तौर पर आरास्ता हो, उसमें कोई कमी बेशी ना हो। बादशाह ने उस्ताद की जब ये बात सुनी और ये पुरहिकमत जवाब सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने इनाम दिया। उलमाए दीन की आवाम में यही हैसियत है, वो पेशवा हैं, वो रहनुमा हैं, इसलिए हमें हर कदम बहुत ही सोच समझ कर फूंक कर उठाना चाहिए। यही वजह है कि जब मैंने अपनी शादी की तो मैंने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी में कोई गीत नहीं होगा और कोई रस्म रिवाज नहीं होगा, इंतहाई सादा तरीके से शादी होगी। चुनाचे मैंने कुर्ता पजामा पहना था, रुमाल ओढ़ा था और हार भी गले में नहीं पहना था, गाड़ी में इस तरह बैठा जैसे कोई आम आदमी बैठता है। मुझसे ज़्यादा बने हुए तो वो लोग थे जो मेरे साथ गए थे, चंद लोग वो मुझसे ज़्यादा बने हुए थे। मेरा ये हाल था कि जब मैं महफिल निकाह में पहुँचा हूँ तो लड़की वाले ढूंढ रहे थे कि इसमें लड़का कौन है। मैंने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि मेरी हैसियत एक आलिम की थी, एक मुक्तदा की थी, एक पेशवा की थी, अपने गांव वालों के लिए एक नमूना पेश करना था। तो मुक्तदा लोगों को, पेशवा लोगों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मौलाना अनस साहब से यहाँ वही चूक हुई है कि उनको इतना फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहिए था, ये सब जानते हुए कि हमारे उलमा फ़ोटो खिंचाने को जायज़ नहीं समझते हैं। फ़ोटो खिंचवाना एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अजाब तस्वीर खींचने खिंचवाने वालों को होगा। ये तमाम चीज़ें और बहुत सी वईदें अहादीस में आई हुई हैं। तो ये गलती थी मौलाना अनस साहब की, जिसकी जानिब तवज्जो मैंने इसलिए दिलाई है ताकि आइंदा किसी और आलिम की शादी हो, जाहिर है सबकी शादी होगी, हर आलिम अपनी शादी के मौके पर एहतियात बरते, सादगी को अपनाए और इस तरह की खुराफात से अपने आप को बचाए। मौलाना तारिक जमील साहब का मामला ये है कि अभी पाकिस्तान में बहुत महंगी शादी हुई और शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी शादी यही थी, जिसमें मिठाइयों को सोने के वरक में लपेटा गया था। मौलाना तारिक जमील साहब भी उस निकाह में शरीक हुए, उस शादी में शरीक हुए। नुमाइंदे की बात मानी जाए तो 10 लाख रुपए भी उन्होंने निकाह पढ़ाने के लिए। ये तरीका ठीक नहीं है। आलिम और मुक्तदा ऐसी जगहों पे क्यों जाएगा, ऐसी शादी जहां इसराफ हो, जहां फजूल खर्ची हो, जहां माल का बेदरेग इस्तेमाल हो, ऐसी जगह पर उलमा का जाना बिल्कुल समझ में नहीं आता है, अक्ल से बालातर है। कुरान पाक में है, इन्नल मुबद्दिरीन कानु इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जब इतनी महंगी शादी हो रही थी तो मौलाना तारिक जमील साहब को नहीं जाना चाहिए था, उनके जाने से अवाम में गलत पैगाम गया, गलत मैसेज गया। तो ये गलती मौलाना की भी थी। ये बातें मैंने इसलिए कही हैं ताकि हर आलिम सोच समझकर आगे बढ़े और उनकी जो हैसियत है अपनी हैसियत को जाने। अयाज़ कदर खेश बिशनास,
اے ایاز اپنی قدر جان اپنا مرتبہ جان۔ علماء سے دست بستہ میری گزارش ہے کہ آپ فیس بک چلاتے ہیں، ٹویٹر چلاتے ہیں، آپ واٹس اپ چلاتے ہیں، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو فوٹو سے حد تل امکان بچیں، کیونکہ جب سے علماء نے فوٹو کھنچوانا شروع کیا ہے فوٹو کی قباحت دل سے ایک دم نکل گئی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، علماء عوام کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بادشاہ جیسا ہوگا پبلک ویسی ہوگی، عوام ویسے ہوں گے، اسی لیے ہمیں فوٹو سے بچنا چاہیے اور حد تل امکان اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کبھی اتفاق سے کسی وجہ سے کوئی فوٹو کھینچ ہی لیا گیا حرام سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے، تو بھی اسے سوشل میڈیا پر عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بلا وجہ غلط پیغام جاتا ہے، غلط میسج جاتا ہے، اور اس سے علماء کی عوام کی بڑی جگہ ہنسائی ہوتی ہے۔ مولانا انس صاحب کی شادی کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو جگہ ہنسائی ہوئی ہے وہ علماء برادری کی ہوئی ہے، علماء نے اس موضوع کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے لے لیا کہ باقاعدہ ایک مذاق بنا لیا اور لوگوں نے لطیفے بنائے، چٹکلے بنائے، اور یہ کہنا شروع کیا کاش کہ میں بھی مفتی ہوتا اور ایسا رشتہ مجھے بھی مل جاتا۔ یہ سرخیانہ باتیں، یہ عزت کے وقار کے خلاف ہیں، یہ علماء کی شان کے خلاف ہیں۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے ہماری حیثیت مجروح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں چپل پہننے سے منع کیا ہے، پہننا ہو تو دونوں پاؤں میں پہنو، نہیں تو دونوں پاؤں ننگے کرو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک پاؤں میں چپل ہو ایک پاؤں میں نہ ہو، اس سے آدمی بے حیثیت ہوتا ہے، بے وقار ہوتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کو چاہیے کہ اپنے وقار کے ساتھ جئیں، عزت کے ساتھ جئیں، اپنی حیثیت جتائیں، اپنا مقام سمجھیں، منفی تبصرے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے شبیہ متاثر ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ثنا خان کی شادی ہوئی، الحمدللہ انتہائی سادہ شادی ہوئی، بہت اچھا، بہت مبارک۔ مولانا انس صاحب کو مبارکباد، ثنا خان کو مبارکباد، بہت خوشی ہوئی ہے، ان کے اس عمل کا فائدہ انشاءاللہ آگے ملے گا، ہماری نوجوان نسل شاید اس سے سبق لے گی۔ اور شادی بیاہ میں فضول خرچی کا جو ماحول اور مزاج بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کا اٹھنا محال بن چکا ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہوگا، لڑکیوں کی شادی کا سلسلہ آسان ہو جائے گا، لڑکوں کی شادی وقت پر ہو جائے گی، ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انقلاب آئے گا تو تنظیم سے آئے گا، کوئی جماعت آئے گی اور انقلاب پیدا کرے گی، ہمیں سمجھائے گی، انقلاب ہمیشہ تنظیم سے نہیں آتا ہے، جماعت سے نہیں آتا ہے، فرد کے انقلاب سے بھی انقلاب آتا ہے۔ جب آدمی کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہی تبدیلی اس کے دوست میں آتی ہے، پھر وہی تبدیلی اس کے دوست میں آتی ہے، اس طریقے سے ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی انقلاب کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی انقلاب پیدا کریں۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔